लोकसभा चुनावों के बीच सभी नेताओं का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण और महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान रागिनी नायक ने कहा कि पीएम मोदी बढ़ती महंगाई पर जवाब दे। वही स्वाति मालीवाल के मामले पर भी हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा के साथ खास बातचीत में उन्होंने मालीवाल के आरोप पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी मौजूद हैं। मैम, महंगाई के मुद्दे पे आपने कहा कि जिस तरीके से तेजी से महंगाई बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कांग्रेस आती है तो अपने मैनिफेस्टो के तहत काम करेगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि समय के अनुसार ही महंगाई बढ़ रही है और वैसे ही लोगों की जो आय है वो भी बढ़ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का चश्मा लगाते हैं, 1 लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं, 8.5 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं और दिन में 4 बार अपने कपड़े बदलते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को क्या महंगाई से फ़र्क पड़ता है? वो तो 50,000 रुपये किलो के मशरूम खाना खाते हैं। तो जो आम आदमी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए आज मोहताज है, जो चुपड़ी हुई रोटी नहीं खा पा रहा है, जिसके लिए आपने घी दही दूध में भी GST लगा दिया, पेट्रोल डीजल गाड़ी में नहीं डलवा पाता, गैस नहीं भरवा पा रहा है, सिलेंडर शोपीस बन के रह गया है, उस आम आदमी के कमर तोड़ महंगाई भी है और पेट पर लात भी पड़ रही है। तो वो आम आदमी आज खड़ा है गुस्से में और कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को देश की राजनीति से और सत्ता से बाहर निकालने का काम इसी चुनाव में करना है। अब मोदी जी चाहे कितने ही बहाने बना लें, 10 साल का समय उन्हें मिला था जिसमें वो पूरी तरह विफल हुए हैं। स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लगातार भाजपा उठा रही है। पिछले दिनों प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और जिस तरीके से 15 दिन के जो पेरोल पे वो बाहर हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है या फिर स्वाति मालीवाल के केस के आने के बाद अब ये मुश्किल खड़ी हो? स्वाति मालीवाल जी के साथ न्याय होना चाहिए अगर कोई अन्याय हुआ है तो। संजय सिंह जी ने ये बात प्रेस वार्ता करके भी कही कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। कांग्रेस का भी यही मत है, कोई भी अपराधी हो, महिला के खिलाफ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार हुआ हो, उसको कानूनी प्रक्रिया के जरिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या, जो एक मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे थे ये जानते हुए कि वो बलात्कारी है और फिर उसको भगवा दिया, यहाँ देश से बाहर कर दिया? उन्हें बृजभूषण शरण सिंह जैसे यौनाचारी के बेटे को टिकट देने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने पहलवान बेटियों की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की? और चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर और मणिपुर के अपराधियों के रक्षक बनकर खड़े होने के लिए मोदी जी को पहले सज़ा मिलनी चाहिए। वो कहा जाता है कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए पहले आईना रख लिया कीजिए। मालीवाल का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा कितना ज़्यादा इंडिया गठबंधन को इफेक्ट करेगा, कितना असर इसका लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर साफ तौर पे जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर के पिछले दिनों भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट भी किया, इस्तीफा मांगा जा रहा है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर इस बात पर क्यों अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसके साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की हुई, इस दौरान उन्होंने माइक जो है वो घुमाकर अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव की ओर कर दिया और अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया कि इससे भी अहम मुद्दे हमारे पास डिस्कस करने के लिए, इससे ज़रूरी मुद्दे हैं। ऐसे में तमाम चीज़ें जो है ये सवाल उठाती है स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, आखिर 72 घंटे से अधिक होने के बावजूद क्यों अब तक अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि सवाल उनके पीए पर उठा है, उनका पीए अभी उनके साथ चल रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।